हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष सोनी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल थ्री टाइमर के अंदर। हमने इंडियन पिनल कोड की लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर लेक्चर वन के अंदर सेक्शन वन टू सेक्शन फाइव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर टू शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम इंडियन पिनल कोड के चैप्टर टू जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शुरू होता है सेक्शन सिक्स। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सिक्स कहता है, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब इस कोड में, कोड बोले तो इंडियन पिलर कोड के अंदर जो भी डेफिनेशंस दी जाएंगी, जो भी हम आगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनको समझना किससे है, एक्सेप्शंस को जोड़ते हुए समझना है। अगर हम इंडियन पिनल कोड की कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको हम किसको साथ लेकर के जोड़ के देखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस को। इसके हम पूरे डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजंस एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजंस शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन चैप्टर एंटाइटल जनरल एक्सेप्शंस। दो दीज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशंस पिनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस। अब इस डेफिनेशंस के हमें इस अंदर हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, इसको हम शुरू से देखते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, पहली इंपॉर्टेंट चीज, एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस की हर एक डेफिनेशन। दूसरी चीज, एवरी पीनल प्रोविजन। तीसरी चीज, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन। कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन, कोई भी उसके पीनल प्रोविजन या कोई भी उसके इलस्ट्रेशन, उन सबको हमें किसके साथ जोड़ करके समझना पड़ेगा, एक्सेप्शंस के साथ, जो कि हमें कहां दे रखी होंगी, जनरल एक्सेप्शंस में, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेक्शन 76 to 106 के अंदर। हमारे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज घबराइए मत। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो जनरल एक्सेप्शंस होंगे वो सेक्शन 76 to 106 तक दिखे जाएंगे। और सेक्शन सिक्स ये कहता है कि जो भी डेफिनेशंस होगी इंडियन पिनल कोड के अंदर, उनको हमें समझना किसके साथ है, किसके साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर उसके साथ लेकर के हमें उसको जोड़ करके देखना पड़ेगा। और जनरल एक्सेप्शंस हमें कहाँ दे रखी है, सेक्शन 76 to 106 तक। इसको हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी दो इलस्ट्रेशंस देखेंगे। इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन ए कहती है, इलस्ट्रेशन ए कहता है हमारा, द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। नई बात समझ में आई आपको। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। हालांकि आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस की डेफिनेशंस लिख रखी हैं, लेकिन आईपीसी में कहीं ये नहीं लिख रखा कि भैया 7 साल से कम उम्र का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। डो नॉट एक्सप्रेस दैट द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेस, ये आईपीसी में कहीं नहीं लिख रखा। लेकिन जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सपोज कर लीजिए कोई 6 साल का बच्चा है, उसने किसी का पॉकेट मार लिया, किसी से चोरी कर ली। अब हालांकि आईपीसी के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात कि भैया 7 साल से उम्र का बच्चा,
चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उस समय हमें जनरल एक्सेप्शंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शंस है, ये एक धारणा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध करने में सक्षम नहीं है, वो अपराध करने के लिए अक्षम माना जाएगा। और ये हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें डॉली इनकैपेक्स, हम जब उसको पढ़ेंगे तब हमें इसके अंदर ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अपेरेंट्स जेड हु हैड कमिटेड मर्डर हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू अपेरेंट जेड एंड देयर फोर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी वो भी हमें यही कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब ये इलस्ट्रेशन कहती क्या है? सपोज एक पुलिस ऑफिसर है, उसको मालूम पड़ता है या उसके सामने कोई एक ऑफेंडर किसी का खून कर देता है, तो उस केस के अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंडर को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब इस केस के अंदर वो पुलिस ऑफिसर किसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या थी कि जब वो ऑफेंस हो रहा है या ऑफेंस हो चुका हो तो वो अब मर्डर है, मर्डर एक सीरियस ग्रेविटी का ऑफेंस होता है, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी थी, वो बाउंड बाय लॉ था कि वो वारंट का वेट ना करते हुए उसको अरेस्ट कर ले, तो इस केस के अंदर वो बाउंड बाय लॉ है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7, सिंपल डेफिनेशंस हैं, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि भैया जिस तरीके से इसमें बातें लिखी गई हैं उसी तरीके से इसको समझी जाए। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, कोड बोले तो आईपीसी, आईपीसी के अंतर्गत एक्सप्लेन की हुई कोई भी एक्सप्रेशन इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से दी गई है उसी तरीके से समझी जाए। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगली डेफिनेशन आती है जी हमारे पास जेंडर। अब जेंडर के अंदर सिंपल सीधी बात लिख दी, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ही और उसके डेरिवेटिव भी यूज किए जाएंगे। अगर कोई महिला के ऊपर है तो भी ही होगा और कोई पुरुष है तो भी ही होगा। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन नेक्स्ट नंबर। जब तक कि कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाए, जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी उत्पन्न ना हो जाए, तब तक जो सिंगुलर वर्ड हैं उनके अंदर भी हम प्लूरल ही मानेंगे और जो प्लूरल है उनके अंदर भी हम सिंगुलर ही मानेंगे। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ समझाने वाला रूल है नहीं, इसलिए मैं भी इनको सिर्फ आपको एक हिंदी समझा रहा हूं। तो प्लीज कमेंट में ये मत लिखिएगा कि सर ये आपने क्या समझाया, मैंने सिर्फ उतना ही समझाया जो एक्ट में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मैन एंड वुमेन, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। क्या लिखा है इसके अंदर? मैन, मैन कौन बोला जाएगा? कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग, कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो कैसा भी हो, तो वो मैन माना जाएगा। उसी तरीके से वुमेन कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग हो गई, किसी भी एज की, बच्ची हो जवान हो बूढ़ी हो किसी भी एज की हो, तो वो वुमेन मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11, पर्सन। अब पर्सन, अगर हमने कभी कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो हमने ये जाना होगा कि एक कंपनी भी एक पर्सन होती है या एसोसिएशन ऑफ बॉडी भी एक पर्सन होता है,
यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि पर्सन कोई जरूरी नहीं कि कोई लिविंग पर्सन ही हो। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सेक्शन 12, सेक्शन 12 बोलता है जी पब्लिक। अब पब्लिक तो पब्लिक है, कोई भी कम्युनिटी आ सकती है, कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक आ सकता है, कोई भी नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं। तो मतलब लोगों का समूह, उनकी कम्युनिटी, उनकी क्लास, वो एक पब्लिक मानी जाएगी। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 6 टू सेक्शन 11। इसके अंदर एक सेक्शन 6 ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और थोड़ा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 18 से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।